मेरे भी सीसीए स्टूडेंट, आप सभी अभी बहुत सारे कंफ्यूजन में हो जैसे भी कॉलेज को लेकर। अब बहुत सारे के इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई मुझे टॉप 10 कॉलेज मिलेगा या टॉप 1 कॉलेज मिलेगा, ये सारे सभी के अंदर में क्वेश्चन आ रहा है। तो हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉप कॉलेजों का नाम बताएंगे, लेकिन टॉप सभी का अलग अलग व्यूज है देखने का, यानी कि टॉप कॉलेज आपके अंदर कुछ और होगा और मेरे अंदर कुछ और है। तो भाई यह बात पे आप ध्यान मत दो कि टॉप कॉलेज कौन है। बिहार में अगर इक्वल कॉलेज, जैसे में जितने भी न्यू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी एक तरह से इक्वल है, कहीं भी प्लेसमेंट नहीं आता है, सभी का बिल्डिंग अच्छा है, सभी का कैंपस अच्छा है, तो उसमें आपको बेस्ट कैसे चूज करना है, तो चलो उसी बात पे हम डिस्कस करेंगे। और टॉप 15 कॉलेज है तो सभी का प्लेसमेंट सही होता है, सभी का कैंपस भी सही है, तो वहाँ पे हम बेस्ट कैसे चुने, तो यह सारे बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना जिससे आप गलत कॉलेज यानी कि खराब कॉलेज में नहीं जा पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन व्यक्ति के लिए जो नर्सिंग करना चाहते हैं। तो नर्सिंग करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए टॉप कॉलेज कौन होने वाला है। तो देखो यार, आपके देखने के व्यू से है, आपके सोचने के, यानी कि प्रायोरिटी आपको सबसे पहले आप ही को मिलेगा। अगर आप किस व्यू से देखना चाहते हो, सपोज डेट अगर आप एजुकेशन के व्यू से देखना चाहते हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हो, तो BIMS इज बेस्ट, यानी कि BIMS में जा सकते हो, वहाँ पर दूसरा कुछ नहीं देखना है, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अगर वह सारे नहीं देखना चाहते हो, पढ़ाई नहीं देखना चाहते हो, सारे ऑल ऑफ ऑल देखना चाहते हो, तो हम बात करेंगे NMCH इज बेस्ट, यानी कि NMCH बेस्ट है। उसके बाद अदर कॉलेज क्या खराब है? नहीं भाई, अगर आपके रैंक नहीं है यह दोनों कॉलेज में जाने के लिए, तो वह तीनों कॉलेज भी बेस्ट है, जैसे में DMCH हो या JLMCH भी हो गया और ANMCH भी हो गया, यह तीनों भी बेस्ट है, क्योंकि अगर रैंक नहीं है तो। अब रैंक के अनुसार भी कॉलेज को सिलेक्ट किया जाता है। आप स्ट्रक्चर पर नहीं जाइए, आप प्लेसमेंट पे नहीं जाइए, आप कैंपस पे नहीं जाइए और आप वहाँ के मेस पर नहीं जाइए, आपके व्यू से अलग है, यानी कि इस पे डिस्कस करने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ पर अच्छे से समझा कर आपके लिए बेस्ट कौन है आपके व्यू से, मैं उस कॉलेज को बता सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर साइंस वाले स्टूडेंट। अब एग्रीकल्चर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए टॉप कॉलेज कौन है? तो भाई पहले भी बताया कि सभी का देखने का तरीका अलग है, मेरे देखने का तरीका अलग है, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज आपके हिसाब से मैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे बता सकता हूँ, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मैसेज करो, मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ऐसे टॉप कॉलेज में आता है सावोर, यानी कि BSc साबोर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, टॉप 1 कॉलेज है। अब वहाँ पढ़ाई के मामले में या ऑल ऑफ ऑल मान ले तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो साबोर आता है उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज जो है साबोर वही बेस्ट है। अब बात करते हैं कि अदर्स चीज़ को लेकर बात करें, सिर्फ केवल पढ़ाई पर डिस्कस करें, तो केवल पढ़ाई के लिए सहरसा एग्रीकल्चर कॉलेज इज बेस्ट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या अदर जो कॉलेज बच गया वह खराब है। नहीं भाई, सभी कॉलेज एग्रीकल्चर का बेस्ट है, सभी की जगह आपको कहा जाता है फैकल्टी की है, यानी कि सभी जगह फैकल्टी उपलब्ध है, हर चीज़ का कहीं भी कुछ चीज़ का दिक्कत नहीं है एग्रीकल्चर में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बी फार्मा में दोनों कॉलेज बेस्ट हैं, लेकिन अब बात करें गर्ल्स के लिए आपको MIT बेस्ट है, बॉयज़ के लिए GPI बेस्ट है। अब कैसे है वो आपको व्हाट्सएप पे हम डिस्कस करके बता सकते हैं। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हो, उनके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है? यार देखो 15 ऐसे कॉलेज का नाम बता रहे हैं, सभी का लेवल एक तरह से इक्वल है, लेकिन टॉप कॉलेज पर बात करें तो 3 कॉलेज है जिसका लेवल इक्वल है, यानी कि 3 कैटेगरीज में हम पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को बांट दिए हैं। हाई लेवल के कॉलेज MIT हो गया, BCE भागलपुर हो गया, BCE बख्तियारपुर, यह हाई लेवल का कॉलेज है। अब मिडिल लेवल का कॉलेज में बात करें तो आपका JCE गया हो गया, DCE दरभंगा हो गया, NCE चंडी हो गया, MCE मोतिहारी हो गया, BPMCE मधेपुरा हो गया, उसके बाद LNJPIT छपरा हो गया, PCE पूर्णिया हो गया, RRDCE बेगूसराय हो गया, SIT सीतामढ़ी हो गया, SCE सासाराम हो गया, KCE कटिहार हो गया, सहा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया।
या ये सारे मिडिल लेवल में आ जाते हैं। और सबसे लो लेवल के जो कॉलेज है ना, वह कौन कौन सा कॉलेज है? तो सबसे लो लेवल में जितने कॉलेज में गवर्नमेंट पहले लगा है ना, वह सारे लो लेवल का कॉलेज है। अब लो लेवल का कॉलेज का मतलब यह नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती यार। लो लेवल मतलब कि प्लेसमेंट के व्यू से देखा जा रहा है, पढ़ाई के व्यू से बता दे तो न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अच्छा होता है। तो वह आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और भाई अपने रैंक के अनुसार काउंसलिंग करना, नहीं तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वह व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।